Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. Assalamualaikum, KBN Speed News में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 16 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज। बैतुल मुकद्दस में यहूदी जुलूस ताज़ा कशीदगी। इसराइल के कट्टर कौम परस्तों ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस में परचम जुलूस निकाला, जिससे फलस्तीनियों के साथ दोबारा कशीदगी पैदा हो गई। यह इसराइल की नई हुकूमत के लिए पहला चैलेंज है। यमन में तारिकीन-ए-वतन की कश्ती डूब गई, दर्जनों लोग हुए हलाक। यमन के साहिल पर तारिकीन-ए-वतन की कश्ती डूबने से दर्जनों अफ्रीकी तारिकीन-ए-वतन हलाक हो गए। अफ्रीकी तारिकीन-ए-वतन को ले जाने वाली कश्ती में 160 से 200 के करीब अफराद सवार थे और गुंजाइश से ज्यादा अफराद की वजह से यह कश्ती दो दिन कबल उलट गई थी। ताहम यमन की खबरी वेबसाइट अदनुल गाद ने ज़राए के हवाले से 150 के करीब तारिकीन-ए-वतन के डूबने की तस्दीक की है, जबकि यमन के साहिली सूबे लजज के एक माहिगीर ने बताया कि गैर मुल्कियों के वापस न आने से कुवैत की मईशत को लगा झटका। कुवैत वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना वायरस कंट्रोल कर लेने के बाद भी अभी तक गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है और यह मसला अब मुल्क की मईशत की बहाली को मुतासर कर रहा है। कनाडा में मुस्लिम ख़ानदान के कातिल के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ दर्ज। कनाडा में गुज़िश्ते हफ्ते पेश आए मुस्लिम ख़ानदान के अरकान के कातिल के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म कनाडा ने इस हमले को नफरत अंगेज दहशतगर्द हमला करार दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई थी। एक नौजवान ने पाकिस्तानी नजात मुस्लिम ख़ानदान पर ट्रक चढ़ाकर 4 अफराद का कत्ल कर दिया था। सऊदी अरब में कैशलेस शहर की तामीर। सऊदी अरब में 50 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे ऐसा शहर तामीर होने जा रहा है जो न सिर्फ कैशलेस होगा बल्कि आपको कई मामलों में भी हैरानी में मुब्तला कर देगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किंग सलमान एनर्जी पार्क मुमलिकत का जदीद शहर होगा, जहां कैश के बजाय रकम की लेन देन डिजिटल बुनियादों पर होगी। UAE का पाकिस्तान समेत 4 ममालिक पर सफरी पाबंदी का हुआ ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों पर 7 जुलाई तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये बात खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में कही गई है। हज दरख्वास्तें हुई हैं मनसूख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की वबा की वजह से हज अदा करने की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। कमेटी ने एक सर्कुलर में कहा कि वजारत हज उमरा हुकूमत सऊदी अरब ने एक बयान में बताया है कि कोविड-19 वबा के हालात की वजह से फैसला किया गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले अफराद और शहरियों को ही इस साल हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। इसीलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि हज 2021 के लिए तमाम दरख्वास्तों को मनसूख किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां हुई शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में आइंदा साल के शुरू में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इम्कान है कि हर 1500 वोटर्स के लिए एक मरकज रायदही के तरीक़ेकार पर नजरसानी की जाएगी और इस तदाद को घटाकर 1000 वोटरों के लिए फी बूथ कर दिया जाएगा। ताजमहल को आज से खोल दिया जाएगा। तारीखी इमारतों को चहारशब्बे से खोला जा रहा है। ताजमहल में बेक वक्त सिर्फ 650 अफराद को दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा सके। दीगर मुकामात पर इस तरह की तहदीदात नहीं होंगी। दिल्ली फसादात के मुलजिम 3 स्टूडेंट्स को मिली जमानत। हुकूमत ने एहतजाज के हक और दहशतगर्दी के दरमियान फर्क को मद्धम कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रिमार्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 स्टूडेंट्स को शुमाल मशरकी दिल्ली के फसादात से मुतालिक केस में जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला करते हुए कहा कि रियासत ने इख्तलाफी आवाज़ को दबाने की बेचैनी में एहतजाज के हक और दहशतगर्दी सरगर्मी के दरमियान फ़र्क को मद्दम कर दिया है और अगर ऐसी जहनीत मजबूत हुई तो ये जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन होगा। लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में कमी। रियासत में 1556 नए केसेस हुए दर्ज, मजीद 14 लोगों की हुई है मौत। डेली वेजेस पर काम करने वालों की उजरतों में हुआ इजाफा। रियासती हुकूमत ने डेली मजदूरी की कम से कम उजरत में इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मजदूरों की यौमिया उजरत कम से कम 300 रुपये से बढ़ाकर 390 कर दी गई है। इसी तरह कंसलटेंट पे वर्कर्स की तनख्वाह 8000 रुपये से बढ़ाकर 10400 रुपये कर दी गई है। पार्ट टाइम वर्कर्स की तनख्वाह 4000 से इजाफा करते हुए 5200 रुपये कर दी गई है। अहकाम में कहा गया है कि इजाफी उजरत और तनख्वाह जारिया साल जून से अमल में आएगी और जुलाई के महीने में इजाफी उजरतों को दिया जाएगा।
कोरोना की रोकथाम में चीफ मिनिस्टर सबसे आगे, हुकूमत तीसरी लहर का सामना करने पूरी तरह तैयार, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने दिया बयान। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के इकदाम में चंद्रशेखर राव सबसे आगे हैं। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा वेबिनार से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शख्सी तौर पर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों की आदत की, जिसके जरिए मरीजों के अलावा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की हिम्मत अफजाई हुई है। तेलंगाना में लॉकडाउन को देखते हुए स्कूलों की तातीलात में मजीद 5 दिन बढ़ाते हुए 20 जून तक स्कूल बंद रखने का हुकूमत तेलंगाना ने किया है ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि एक हफ्ते के अंदर इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे और सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासेस 1 जुलाई से और फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू कर दिए जाएंगे। दिल्ली में ई राजेंद्र तैयारे के मुमकिन हादसे में हुए महफूज। साबिक वजीर तेलंगाना ई राजेंद्र मंगल को नई दिल्ली में तैयारी के एक मुमकिन हादसे में महफूज रह गए। बताया जाता है कि इस फ्लाइट में उड़ान के वक्त फनी खराबी पैदा हो गई, जिसमें राजेंद्र के अलावा उनके कई हामी और BJP के कायदीन भी सवार थे। तैयारे के पायलट ने फनी खराबी महसूस करते हुए उड़ान से चंद लम्हे पहले ही इसे रोक दिया। किसानों के अकाउंट्स में रकूमात की मुंतकली का हुआ आगाज। रियासत में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में माली इमदाद की तकसीम के अमल का आगाज हो चुका है। पहले दिन रैतु बंधु स्कीम के तहत 16,95,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 516,95,00,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। पुराने शहर हैदराबाद में मिशन चबूतरा मुहिम, 60 अफराद की काउंसलिंग, रात देर गए गैर जरूरी सड़कों पर गश्त करने वालों को पुलिस का इंतबाह। साउथ जोन पुलिस ने रात के औकात में गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर वक्त गुजारी करने और चबूतरों पर बैठने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि मिशन चबूतरा मुहिम, जिसका गुज़िश्ते हफ्ते आगाज हुआ था, वो जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस ने 60 अफराद को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। शहर में लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कल शब फलकनुमा पुलिस ने तिगलकुंटा और इसके अतराफ के इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई। मोदी हुकूमत ने फौजियों की कुर्बानियों को रायगा कर दिया। 1 साल गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, चीन के साथ तिजारत में मजीद इजाफा हैरतनाक, बैरिस्टर ओवैसी ने दिया बयान। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने भारत के 20 अजीम सिपाहियों और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की अजीम कुर्बानियों को रायगा कर दिया है। इनके शहादत के 1 बरस गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उर्दू तलफ़ुज़ की अदायगी से खासिर हिंदू दुल्हा निकाह के दौरान पकड़ा गया। उर्दू अल्फाज का सही तलफ़ुज़ अदा न करने की वजह से एक शख्स की शादी नहीं हो सकी। एक लड़की से शादी के लिए ख़ुद को मुसलमान जाहिर करने वाला शख्स उस वक्त पकड़ा गया जब वो निकाह के दौरान उर्दू अल्फाज का सही तलफ़ुज़ अदा करने में नाकाम रहा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। Rank oriented coaching for NEET, NSET, IIT and CA. Ladke aur ladkiyon ke liye Alhaida building. Choose Deen, Dunya will follows you. Hidayah Junior College. Admissions are open. Mehndi Pattam, Hafiz Baba Nagar, Santosh Nagar, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।